भैया थक गया हूं मैं इस रोज रोज की भसड़ से। मन तो करता है क्विट कर दूं यूपीएससी का सारा खेल ही, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे क्या हो गया है तुम्हें, क्यों परेशान हो इतना? अच्छा खासा अंकल का बिजनेस है कानपुर में, वापस चला जाए। भैया बिजनेस ही करना होता तो यहाँ दिल्ली आके धूल नहीं फाक रहे होते हम। ऑफिस से कोचिंग, कोचिंग से ऑफिस, मानो मियाँ की दौड़ मस्जिद। और ऊपर से हमको तो ये भी नहीं पता ना कि आखिरी में सिलेक्शन मेरा होगा भी या नहीं। उसे कोनू की बैल की तरह एक ही जगह गोल 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 घूमे जा रहे हैं। अंकुर तुम्हें आईएएस ही क्यों बनना? देखो तुम ना, आप ऑफिस जाइए, मैं जगाती हूं ना कुकु को। तुम्हारी वजह से रोज मुझे तुम्हारे पापा का गुस्सा देखना पड़ता है। क्या मम्मी? क्यों नहीं जाते हो ऑफिस? आखिर तुम्हारे पापा का बिजनेस तुम्हें ही तो संभालना है। मम्मी अपना काम कीजिए ना, क्या रोज सुबह ऑफिस ऑफिस ऑफिस। नहीं पसंद है मुझे पापा का बिजनेस। आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। बेटा बिजनेस को ऐसे नहीं कोसते, ये सब जो तुम देख रहे हो ना ये उसी की बदौलत है। मम्मा तो पापा करें ना बिजनेस। अब मैंने तो पापा से नहीं कहा ना कि वो मेरे साथ चल के यूपीएससी की तैयारी करें। घर में बिजनेस है तो उसकी कदर नहीं है, जब जीरो से बनाना पड़ता है ना तभी समझ में आता है। बेटा आरती, तुम्हें दो चार दिन में लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम्हें शादी ना करने का माइंडसेट चेंज कर लो अपना। पापा आपको पता है जब तक हम सीए नहीं बन जाएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे, फिर क्यों परेशान करते रहते हैं आप? बेटा आरती जुबान मत लड़ाओ, तुम्हें जो भी काम करना शादी के बाद भी कर सकती हो। पापा लड़के को हम शादी के लिए मना करेंगे तो आपकी इंसल्ट होगी और हम ये चाहते नहीं हैं, इसलिए आप ही मना कर दीजिएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम करना चाहो। अंकुर तुम्हारे पापा मान गए तुम्हारी यूपीएससी की तैयारी के लिए? अरे अगर मान ही जाए ना तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी से स्ट्रगल ही ना खत्म हो जाए। तो तुम्हारी कोचिंग की फी? अब कुछ पॉकेट मनी है मेरे पास, बाकी देखते हैं यार। दिल्ली जाके कुछ बीपीओ सेक्टर ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा बहुत वहां से मिल जाएगा। कहां है लॉट साहब? कुकू बेटा तुम्हारे पापा तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। ठीक है बाय। ऑफिस जाने क्या मूड है, कब से जाओगे? अरे कुछ बोलोगे? देखिए पापा ना आप मुझे समझ पा रहे हैं ना हम आपको। क्या बोल रहे हो कुकू? मम्मा मैं यहाँ रहकर यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मुझे बात अच्छे से पता है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली एकदम से? वहां कहाँ जाओगे अकेले? मेरा एक पुराना दोस्त रहता है दिल्ली में, मेरी बात हो गई है। किन कुकू? जाने दो। और सुनो,
यहां से निकलने के बाद मां बाप को भूल जाना, यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं है। हाँ बेबी आ रहे हैं। ओके कमिंग इन 20 मिनट्स। ओके ठीक। और अंकुर भाई ये लो यार लड्डू खाओ। लड्डू ये कहाँ से मिला? अरे यार बगल में पंडाल लगा था, चले गए मस्त कपड़े पहन के। साला बाद में पता था कि किसी की तेरी ही थी। और भाई ये लो पानी की बोतल, और ये रहा तुम्हारा किचन, तुमको जो बनाना होगा ये बना के खाना, ठीक है? भाई किचन यार, पंखा बंद करना पड़ेगा यार, ये रूम के साथ किचन नहीं मिलता क्या? अबे ये दिल्ली है अंकुर भैया, समझे? यार पानी की बोतल भी सोने के भाव मिलती है, और तुम तो शुक्र मनाओ ये जानने वाले थे तुमको 7,000 में इतना बड़ा रूम मिल गया। और किचन के साथ अगर कहीं लेने जाते ना तो 12 से 15 हजार रुपये का मिलता। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ यार फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं अपनी। तो ये यहीं रखोगे? अरे यार रख देना भाई। कोचिंग कितने बजे जाते हो? कोचिंग वोचिंग नहीं जाते हम, सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है? देख रहे हो ना IAS बनने के लिए जुनून होना चाहिए। मेहनत तो ज़्यादा गधा भी करता है यार। चलो ठीक है फिर है। तुम्हें अगर सीरियसली UPSC क्रैक करना है ना तो उसके साथ तो रहना, लेकिन उसका साथ कभी मत करना। वो ज़्यादा रूम पे रहता ही कहाँ है, ज़्यादा टाइम तो बाहर ही रहता है, बस सुबह शाम हाय हेलो हो जाती है। अच्छा फिर नमकीन? नो भैया थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे भैया? हाँ मैं ये कह रहा था कि विनय ने फिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे बताया? भैया घर से दिल्ली आने के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगा था।
क्या अंकुर भाई, घर का सुरूर उतरा नहीं क्या अभी तक? क्या हो गया भाई? यार विनय, मैं इतने पैसे नहीं कलेक्ट कर पा रहा हूं कि रूम के रेंट के साथ कोचिंग की फीस भी जमा कर सकूं। अंकुर भाई, यार मेरे भैया ने यूपीएससी क्रैक किया हुआ है और अभी IRS ऑफिसर हैं। तुम कहो तो तुमको उनसे मिलवाता हूँ, थोड़ा आइडिया उनसे ले लो। है सके भैया तुम्हारे? अबे कजिन है हमारे। ठीक है ठीक है। बस भैया, तभी विनय ने अपनी बहन की शादी में आपसे मुलाकात करवाई। लो तब तक तुम इन किताबों को पढ़ो और बाकी डेटा मैं तुम्हें भेजता रहूँगा। ठीक है भैया। वैसे भैया, आप भी अपनी तैयारी के दौरान कभी ना कभी तो डीमोटिवेट होते ही होंगे। कभी पढ़ाई का प्रेशर, कभी घर वालों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शंस। अच्छा हाँ, ये बुक पढ़ना, केओस टू क्लैरिटी। मुझे तो लगता है कि UPSC की प्रिपरेशन करने वाले हर एक एस्पिरेंट को ये बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, फॉर अल्टीमेट क्लैरिटी इन एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है भैया, मैं पढ़ूंगा। ओके थैंक यू भैया, मैं चलता हूँ। एक बात कहूँगा अंकुर, अगर UPSC के लिए घर छोड़ा है तो तुम्हें अपने भाई को ढूंढना होगा। और विश्वास मानो मेरा, एक बार तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया ना, तो हाउत खुद ब खुद मिल जाएगा। और जिनको जवाब मिल जाता है वो शेरों का शेर और राजाओं का राजा होता है। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इट्स ओनली कमांडर ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट। मजाक है क्या UPSC? दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम दैट यू हैव टू क्रैक। Any doubt? No, भैया। अच्छा भैया, आपका ऑफिसर बनने का एग्जैक्ट मोटिवेशन क्या था? In India, marriage is not only between two individuals, it is between two families. मतलब फोकस, फोकस करो। प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है भैया। हेलो। अबे आरती यार, प्रद्युमन भैया, व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी ही। मतलब उनसे मिलने के बाद अब कुछ उम्मीद जगी है UPSC क्रैक करने की। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हाँ हाँ पता है, शाहरुख खान का डायलॉग है ये, ओम शांति ओम का। हाँ हेलो। वो शेरों का शेर,
बीपीओ सेक्टर में काम करने के बाद सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं। यार अंकुर भाई, 7 दिन बाद प्रीलिम्स है और तुझे डेंगू हो गया यार, कैसे होगा भाई? चल मैं तेरे लिए खिचड़ी बनाता हूँ, ठीक है? हेलो कुकु बेटा, कैसे हो? मम्मा पापा आप लोग कैसे हैं? हम दोनों ठीक हैं कुकु बेटा, तुमको बहुत मिस करते हैं हम लोग। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? बहुत खरखराहट आ रही तुम्हारी आवाज़ में। मामा डेंगू हो गया है, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, दवाई लिया है मैंने। तुम्हें डेंगू हुआ और तुमने एक बार भी फ़ोन करके हमको नहीं बताया? मामा आप टेंशन मत लीजिए, अभी ठीक लग रहा है मुझे। अंकुर अभी जस्ट बुखार उतरा है यार, लेट की बात करो। अच्छा मामा। दवा टाइम से खाना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ मामा। अच्छा मामा अभी मैं रखता हूँ फोन। Whom will you call when you feel low? Is that a person, a close friend or a family member? आज पापा की बहुत याद आ रही है। प्रिपरेशन से पहले हम दोनों फ्रेंड्स थे, बट अब बहुत दूरियां आ गई हैं। काश काश मैं उनको फ़ोन कर पाता। पापा कुकु, तुम्हारी मम्मा बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, अभी कैसे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, अभी ठीक है। बेटे मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे सपने का अपमान किया है। पापा समझ ही नहीं आ रहा है जिंदगी कहाँ जा रही है। 7 दिन बाद एग्जाम है और मैं यहाँ बिस्तर पे पड़ा हूँ। कुकु क्या लगता है तुम्हें, ये डेंगू तुम्हारी प्रिपरेशन से बड़ा है? सच तो ये है, अगर पूरे साल तुमने पढ़ा होगा तो इन 7 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर पूरे साल तुमने नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई इन 7 दिनों से फर्क नहीं पड़ता। मन की कमजोरी सबसे बड़ी कमजोरी होती कुकु। सोचो सोचो जरा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लड़का एक झटके में अपना घर छोड़ा जाओ, उसके आगे ये डेंगू क्या चीज है? अफसर केवल वर्दी पावर स्टेटस से नहीं बनता, अफसर कोई बनता है तो अपने हौसले से, और मुझे पता है तुम में वो जज्बा और वो हौसला है, बस उसे पहचानने की देर है बेटा। पापा मुझे गर्व है आप पर कि तब ना सही, कम से कम अब आपने मेरे सपने को समझने की कोशिश की। पापा मुझे ये तो नहीं पता कि मैं यूपीएससी क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने सपने के लिए खुद से एक लड़ाई लड़े जा रहा हूँ। लड़ाई लड़कर ही जीत हासिल होगी बेटा। रुको, हताश या निराश होकर क्या कोई कभी महान बना है? चलो टेक केयर बेटा। हे भगवान, इस बार मेरी नैया पार लगा देना प्लीज। क्यों
क्योंकि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम तो कहूं के ना रही भाई भाई पार करा देना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ वेरी स्ट्रांगली यूज्ड बाय द जजेस इन यूके वेयर एज इन इंडिया इट्स ऑफन सीन। अबे ऊपर कौन जाएगा यार। हाँ अबे अंकुर आ गया। क्या आ गया बे? अबे प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। भाई मेरा नहीं हुआ यार। अबे अंकुर तू मेंस के लिए क्वालिफाई कर गया भाई। देख कांग्रेचुलेशंस भाई कांग्रेचुलेशंस। अबे यार अबे चुप 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 पास वाले लड़कों को नहीं हुआ करो तो आगे कूद देंगे तेरे को अभी। अरे भैया लीजिए ना। आई एम ओके विद दिस लेट्स एंजॉय द पार्टी। इसके बाद मुझे किसी ऑफिशियल काम से बाहर जाना है। ओके प्रद्युमन भैया हमको क्या लगता है ना कि हम लोगों की जिंदगी की स्क्रिप्टिंग भी ना वेद व्यास जी ने की है। क्या हुआ अभी भाई थोड़ा विस्तृत जानकारी दिया करो यार मैं कुछ समझा ही नहीं। भाई तुझे इस वक्त याद भी है कि वेद व्यास ने महाभारत लिखी है या रामायण? और महाभारत में राम थे या कृष्ण? एग्जैक्टली अरे यार अब श्री राम हो या कृष्ण क्या फर्क पड़ता है? है तो सब एक ही है? तो प्लीज मिस्टर अंकुर एक्सप्लेन। ओके आई विल एक्सप्लेन। सी जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे वैसे ही कलयुग में अंकुर के सारथी प्रद्युमन भैया। वाह वाह क्या उम्दा बात बोल गए गुरु यार वाह। अरे तुझे कुछ समझ में भी आया जे यूं ही वाह वाह। अरे समझ तो कर लेंगे अभी वाह वाह पे ध्यान दीजिए। गुरु वॉशरूम उधर है मैं चलूं साथ में। बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी है ये। वैसे प्रद्युमन भैया मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया बोलूं और वो जो आपने मेरे लिए किया है वो बराबर हो जाए। यू नो अंकुर इन इंडिया मैरिज इज नॉट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इट इज बिटवीन टू फैमिलीज। भैया ये लाइन मैं आपसे दोबारा सुन रहा हूं प्लीज मुझे इसका मतलब बताइए। फोकस फोकस जरूरी है। फोकस मतलब देखो अंकुर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसके पीछे एक सही मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था ना उसके फादर उस लड़की की शादी एक आईएएस ऑफिसर से करना चाहते थे। ये मिनिस्टर थे उसके पापा और मैं एक आईआरएस ऑफिसर। स्टेटस मैच नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई आई सेड बार बार मैं कहता हूं कि फोकस
फोकस बहुत जरूरी है। अंकुर, प्रीलिम्स का रिजल्ट उस अंतिम ऊंचाई का सबसे छोटा और सबसे पहला शिखर है। सेलिब्रेट भी करो, पर तुम्हारी अंतिम ऊंचाई अभी बहुत दूर है। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि आगे बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं, मंजिल दूर रख सकती है, तो अपने आप को डीमोटिवेटेड फील कर सकते हो, पर तुम रुकना मत, तुम थकना मत, और मैं हमेशा एक ढाल की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। पर तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, अपनी अंतिम ऊंचाई तक तुम्हें ही पहुंचना है, अपने शिखर को खुद ही फतेह करना है। जी भैया। अरे तू ठीक तो है? तू ठीक है? एक मिनट। ओके गाइस, लेट्स वाइंड अप द पार्टी। चल चल आजा, चल। अबे चल। हेलो हेलो अंकुर, कैसी हो आरती? और कितने दिन बाद फोन की हो तुम? अंकुर मैंने घर छोड़ दिया। क्या अचानक से? क्या अभी कहाँ हो तुम? कोलकाता में पीजी पर रहते हैं। अरे यार तुम पागल हो क्या? यार जब तक मैं सीए नहीं बन जाऊंगी मैं घर नहीं जाऊंगी। अरे हुआ क्या है आखिर? पापा मेरी शादी फिक्स किए दे रहे थे जबरदस्ती। ना उनको मेरी पसंद से मतलब है, ना उनको मेरी पढ़ाई से मतलब है, क्या करते? देखो आरती कोई बात नहीं, एक दिन सब समझ जाएंगे। और तुम्हें वहां कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत होती मुझे तुरंत फोन करोगी तुम। ठीक है, बाय। मैंने प्रद्युमन भैया। हाँ भैया कैसे हैं? I'm good. How was the mains? आज लास्ट पेपर था? हाँ भैया लास्ट पेपर था, ठीक गया। चलो फिर इंटरव्यू की तैयारी में लग जाओ। हाँ भैया प्रीलिम्स भी आने वाला है ना, तो वो भी देना है। मेहनत से तैयारी करो, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। भैया एक बात कहें आपसे, ये सब आपकी बदौलत ही हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी रखते हैं भैया। दिशा मॉक टेस्ट से अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है भैया, बाय। भैया आप अंकुर आईएएस क्यों बनना है? भैया स्कूल के टाइम एनुअल डे पर मिस्टर सतीश पाठक नाम के आईएएस जो उस टाइम हमारे जिले के डीएम हुआ करते थे, एनुअल फंक्शन में उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। उनकी बातें, उनकी पर्सनैलिटी हमारे लिए एक सपना, एक चाहत, एक पैशन बन गया था। भैया मैं सोचता था कि
अगर मैं उनकी बातों से इतना इंस्पायर हो सकता हूँ तो अगर मैं उनके जैसा बन जाऊँ तो मैं कितनों को इंस्पायर कर सकता हूँ, कितने लोगों की जिंदगियाँ बदलने में उनकी मदद कर सकता हूँ। बस भैया, तब से मैंने ठान लिया था कि मुझे बनना है तो सिर्फ और सिर्फ IAS। पर समय के साथ मैं IAS बनने की होड़ में तो लग गया था पर अपने असल मकसद को भूल गया था। इसीलिए शायद पहले दिन आपके इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, पर आपकी गाइडेंस और मेंटरशिप में मैंने क्योस टू क्लैरिटी तक का सफ़र तय किया है और आज मुझे क्लियर है कि मुझे IAS क्यों बनना है। वाह, अब इस इंटरव्यू का परिणाम चाहे जो हो लेकिन एक बात तो तय है कि तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया है। अब अटेम्प्ट एक लगे या पांच, हाँ वो तो तुम ढूंढ ही लोगे। आई बिलीव इन यू। थैंक यू भैया। वैसे मेरा भी आज तुम्हारे साथ इंटरव्यू है। क्या? अंकुर, मैंने भी तुम्हारे साथ अटेम्प्ट दिया था पर मैंने तुम्हें बताया नहीं ताकि तुम पूरे मन से अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सको और मुझे तुम अपना मेंटर समझो, कॉम्पिटिटर नहीं। मिस्टर अंकुर, प्लीज कम इन। ऑल द बेस्ट। मम्मा, आपका कुकू अफसर बन गया। हाँ बेटा, कुकू। पापा, आपका नालायक बेटा अफसर बन गया। बधाइयां बेटा, बहुत बहुत बधाइयां। अरे तुम मुंह मीठा कराओ भाई। हाँ बेटा। अच्छा पापा, मैं आपको बस थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है बेटा। अरे बहुत बहुत बधाई मेरे अर्जुन, फाइनली यू बिकम ए ब्यूरोक्रेट। प्रदीपन भैया, जिसके पास आप जैसा सारथी हो वो UPSC के साथ समुंदर पार कर जाए। आप लोगों को लग रहा होगा कि फिल्मों की तरह मुझे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS पोस्ट मिल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में IRS पोस्ट ही मिली थी और तब भी मेरा सपना अधूरा ही रह गया था। जिंदगी में हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं कि परिश्रम से किए एक बार के प्रयास में ही वह मिल जाए। उसी तरह UPSC, इंडियाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, जिसमें कम उम्र में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS पोस्ट पर सेलेक्ट होने वाले 1% से भी कम लोग होते हैं। आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। सर, दो शब्द मेरे बच्चों के लिए। मैं IAS अंकुर, आज मैं यहाँ पर आपको कोई ज्ञान देने या फिर कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ। आज का युवा पहले से ही ज्ञानी है, उसे ज़रूरत है तो बस अच्छे साथी
और सारथी की। जैसे अर्जुन को मिले श्री कृष्ण, वैसे मुझे मिले प्रद्युमन भैया। सर, सर मैं भी आपकी तरह आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आप आईएएस ही क्यों बनना चाहती हैं? अगर आपने अपना वाई ढूंढ लिया तो हाउ खुद ब खुद मिल जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। अंकुर की अंतिम ऊंचाई केवल आईएएस बनना नहीं था, उसकी अंतिम ऊंचाई थी उस बच्ची को सही डायरेक्शन में गाइड करना, उसे उससे मिलाना जो शायद ही कोई कर पाता है। अंकुर ने फतह कर ली है, अंतिम ऊंचाई जहां से ना गिरने का डर है, ना ही कोई भीड़ है और ना ही कोई प्रतिस्पर्धा है। वहां अगर कुछ है तो वो है खुद से खुद की पहचान। हम सब जानते हैं कि एस्पिरेंट्स की प्रेपरेशन जर्नी में केओस बहुत कॉमन है, बट सक्सेस के लिए क्लैरिटी उतनी ही जरूरी। इसीलिए दिशा पब्लिकेशन लेकर आया है अंकुर की कहानी। यूपीएससी एग्जाम प्रेपरेशन के दौरान अंकुर के सामने आते हैं कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब ढूंढकर अंकुर को मिलती है अपनी प्रेपरेशन में कंप्लीट क्लैरिटी। आपके भी सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इसी किताब में, जिससे दूर होगी प्रेपरेशन से जुड़ी सभी उलझन और कंफ्यूजन। तो आज ही पढ़ें फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, द जर्नी ऑफ ए यूपीएससी एस्पिरेंट।